चलिए हम लोग किस पे थे। हम लोग थे क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू द पावर एम कॉस वन अपॉन एक्स, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो पे इट इज जीरो। हमने चेक कर लिया था कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, मतलब हमने कंटिन्यूटी जो है उसको अप्लाई करके एम ग्रेटर देन जीरो प्रूव कर दिया था। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगे, और डिफरेंशिएबिलिटी पे क्या बोला है कि इट इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, लेकिन क्या कंडीशन प्रूव करनी है कि एम मस्ट बी ग्रेटर देन वन। लास्ट में ही मैंने आपको समझाया था लास्ट एक्सप्लेनेशन में कि अगर मेरे पास एच की पावर, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर एच की पावर पॉजिटिव होती है और अगर एच टेंस टू जीरो रखता हूँ मैं, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा लिमिट रखने पर। इसका मतलब वो मीनिंगफुल होगा। और जब एच की पावर है अगर वो नेगेटिव हो जाती है, तो नेगेटिव हो जाती है तो जितनी भी नेगेटिव पावर्स है वो जो रिजल्ट करेंगी वो क्या करेंगी, माइनस में इन्फिनिटिव या प्लस में इन्फिनिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि क्वेश्चन इज मीनिंगफुल, मतलब डिफरेंशिएबल है, मतलब एलएचडी इक्वल टू आरएचडी है। हमें जस्ट प्रूव करना है कि इट इज ओनली पॉसिबल इफ एम इज ग्रेटर देन वन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर दिस इज पार्ट टू, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, इट इज ऑल्सो गिवन दैट एल एच डी इक्वल टू आर एच डी विच इज इक्वल टू अ फाइनाइट वैल्यू। ये हमको पहले से दे रखा है। और टू प्रूव में क्या है कि एम इज ग्रेटर देन वन। तो चलिए एल एच डी का फॉर्मूला रखते हैं। एल एच डी क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब ये सब मैं आपको ऊपर निकलवा के बता चुका हूँ कि एफ ऑफ जीरो माइनस एच की वैल्यू क्या, देखो सीधा से लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर में, तो इट इज व्हाट, माइनस एच रेस टू द पावर एम कॉस माइनस वन अपॉन एच। तो चलिए इसको नीचे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच रेस टू द पावर एम कॉस माइनस वन अपॉन एच। ये तो हो गया एफ ऑफ जीरो माइनस एच, पीछे एफ ऑफ जीरो है विच इज इक्वल टू जीरो, वो पहले दे रखा है, अपॉन माइनस एच ये दे रखा है। अब देखिए इसको समझिए, ये माइनस एच के ऊपर पावर कितनी है एम, यहाँ पर माइनस एच के ऊपर पावर कितनी है वन। जब ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस एच के ऊपर ओवरऑल पावर कितनी हो जाएगी, एम माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच रेज टू द पावर एम माइनस वन, और पीछे जो चल रहा है वो कॉस में चल रहा है वन अपॉन एच। वहां पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब आप इसमें लिमिट पुट करके देखिए, लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो की पावर एम माइनस वन, और ये हो जाएगा अ वैल्यू बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, माइनस वन टू प्लस वन एक सर्टेन वैल्यू इसमें आएगी। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तो फाइनाइट है ही सही, मुझे बनाना है आगे वाले को फाइनाइट। तो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी जीरो की पावर पॉजिटिव होती है ये पूरा का पूरा मीनिंगफुल होकर जीरो देता है, और जब भी जीरो की पावर नेगेटिव हो जाती है इट विल बिकम इन्फिनिटिव। वेन एवर पावर्स ऑफ जीरो आर पॉजिटिव तो ये रिजल्ट निकल के आता है जीरो, एंड वेन एवर पावर्स ऑफ जीरो आर नेगेटिव, नेगेटिव की नेगेटिव कैसे होगी, जैसे जीरो की पावर माइनस वन, जीरो की पावर माइनस टू एंड सो ऑन। तो जीरो की पावर माइनस वन क्या बनेगा, वन अपॉन जीरो, ये क्या बनेगा, वन अपॉन जीरो स्क्वायर। तो वन अपॉन में जीरो आती है क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी, या मैं बोलूँ इनफाइनाइट फॉर्म आ जाएगी, इनडिटर्मिनेंट नहीं नॉट डिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। तो मुझे तो डिफाइंड फॉर्म चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा कि ये जो आगे वाली वैल्यू है इसको फाइनाइट बनाना है। तो हम लिखेंगे कि सिंस फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन एज डिफरेंशिएबल, सो फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ एल एच डी पावर ऑफ जीरो मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब कंडीशन क्या लिखी कि m माइनस वन जो है मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या आ गया, m ग्रेटर देन वन। ये किसके लिए आया, एल एच डी के लिए। जैसे ही m ग्रेटर देन वन रख दिया तो फिर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा एल एच डी का फाइनल, कि एल एच डी वुड बी जीरो इन टू अ फाइनाइट एक्सप्रेशन एंड ओवरऑल इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं सेम अप्रोच से आर एच डी पे। आर एच डी के लिए क्या होगा, आर एच डी के लिए भी हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच। अब अगर जीरो प्लस एच वाली वैल्यू देखें तो आप ऊपर जाके देख लेना, इट इज एच रेस टू द पावर एम कॉस वन अपॉन एच, पीछे लिखा हुआ है माइनस जीरो
डिवाइडेड बाय h, सेम प्रोसेस से देखो लिमिट सब पे लगाते जाना है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ इसको, ये बन जाएगा h रेस टू द पावर m माइनस 1 cos 1 अपॉन h, है ना। और हम लिख लेंगे कि सिमिलरली टू LHD, जैसे LHD में लिखा था बिल्कुल सेम, m माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर द प्रॉपर आंसर ऑफ RHD एज 0, सो फाइनली यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, m ग्रेटर देन 1। सो हम लोग बोल सकते हैं कि LHD और RHD के इक्वल और फाइनाइट होने के लिए 0 की पावर, मतलब h की जो पावर है वो पॉजिटिव होनी जरूरी है, तो मतलब m माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन का पार्ट टू। पार्ट वन में हमने कॉन्टिन्यूस प्रूफ किया, मतलब कॉन्टिन्यूस दिया हुआ था, फाइनाइट वैल्यू बनाने के लिए जीरो की पावर को पॉजिटिव रखा जिससे कि m ग्रेटर देन 0 आ गया, डिफरेंशिएबिलिटी में भी जीरो की पावर को पॉजिटिव रखा तो m ग्रेटर देन 1 आ गया। वापस से रिमाइंड कर लीजिएगा, आ जाएगा समझ में, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने इसका दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जामिन द फंक्शन एफ एक्स फॉर द डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमको इसको डिफरेंशियबल चेक करना है, और हमें क्या बोला हुआ है कि फंक्शन जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस केस में तो वन अपॉन वन प्लस ई की पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर लेना है, और इक्वल टू जीरो पे इसको जीरो कंसिडर करना है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं एक बार सॉल्व। Let me change the ink. Just a second. Okay, चलिए सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिएगा, तीन वैल्यूज चाहिएगी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, कि एफ ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच देखो मतलब एच की जगह क्या लिखना है, जीरो माइनस एच लिखना है, और वो फंक्शन कहाँ पहुंच जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो पे, तो ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन वन प्लस ई रेज टू द पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच का स्क्वायर, और जीरो माइनस एच का स्क्वायर कितना होगा, माइनस एच का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, प्लस एच का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस ई रेज टू द पावर वन अपॉन एच स्क्वायर, देख लीजिए जीरो माइनस एच पे, ठीक है। और एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ जीरो तो क्वेश्चन में वैसे ही जीरो दे रखा है, और एफ ऑफ जीरो प्लस एच क्या हो जाएगा, तो जीरो प्लस एच देखिए वन अपॉन वन प्लस ई रेज टू द पावर वन अपॉन जीरो प्लस एच का स्क्वायर, और जीरो प्लस एच का स्क्वायर क्या होता है, वन अपॉन एच का स्क्वायर, तो इट इज वन अपॉन वन प्लस ई रेज टू द पावर वन अपॉन एच स्क्वायर। तो देखो जीरो माइनस एच और जीरो प्लस एच दोनों की वैल्यू सेम ही आई है, क्यों, क्योंकि फंक्शन पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब ये तीन वैल्यूज तो हमने निकाल ली, अब हमको निकालना है LHD को एंड RHD को। तो चलिए सबसे पहले LHD निकालते हैं। फाइंडिंग LHD, LHD के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कि इट इज लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस h लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है, तो इट इज वन अपॉन वन प्लस ई रेज टू द पावर वन अपॉन एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जीरो मतलब जीरो डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर जो है दोनों वो प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस h टाइम्स ऑफ वन प्लस ई रेज टू द पावर माइनस सॉरी वन अपॉन एच स्क्वायर माइनस नहीं इट इज वन प्लस ई रेज टू द पावर वन अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां से ई की पावर वन अपॉन एच स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। अगर हम कॉमन निकालेंगे तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, वन अपॉन माइनस एच तो बाहर है, इसे देखो इन सब पे लिमिट एच टेंस टू जीरो मानते जाना लगी हुई है। अगर मैंने ई रेज टू द पावर वन अपॉन एच स्क्वायर को बाहर निकाल लिया तो अंदर वन के पास क्या बचेगा, वन अपॉन ई रेज टू द पावर वन अपॉन एच स्क्वायर डिवाइड हो जाएगी क्योंकि है ही नहीं, और पीछे क्या बन जाएगा, प्लस वन। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आगे समझ में आएगा, ठीक है। अब हमारे पास LHD का फॉर्मेट क्या बन गया, फॉर्मेट बन गया लिमिट h टेंस टू जीरो। देखो ये जो वन अपॉन एच स्क्वायर ई की पावर है, इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर, ये न्यूमरेटर बन गया, डिवाइडेड बाय पीछे जो माइनस एच लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है ही सही। अब अंदर वाले ब्रैकेट को देखो, अंदर वाले ब्रैकेट में हमारे पास जो पावर है उसको ऐसा लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर, और पीछे लिखा हुआ है प्लस वन, यहां तक भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास फॉर्म है कि ई रेज टू द पावर माइनस एक्स है, तो इट इज वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन,
यही होता है ए की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन, और ए की पावर प्लस एक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है अपने पास, इट इज वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन। तो ये मैंने क्या करा, ये मैंने एक्सपेंशन लिखा है स्टैंडर्ड लिमिट्स का। हर क्वेश्चन में जो भी लॉजिक काम आता है वो मैं इसीलिए यहाँ राइट साइड में लिखता जाता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो कि कैसे आ गया है। अब जैसे ही ये एक्सपेंशन देखा तो चलो इस एक्सपेंशन को लगाओ यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर जो लिखा हुआ है माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर उसको एज इट इज लिखा रहने दिया, नीचे वाले में माइनस एच एज इट इज लिखा रहने दिया, इसको एक्सपेंड करो तो वन की जगह तो वन आ जाएगा, x की जगह क्या लिखा है, x की जगह लिखा है माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर, क्योंकि e की पावर जो x है। अच्छा, अगर हमने माइनस का एक्सपेंशन लिया है तो माइनस के एक्सपेंशन में तो वन माइनस एक्स आएगा, ठीक है, तो इट इज वन माइनस एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, वन अपॉन एच स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है, वन अपॉन एच स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एच रेस्ट की पावर फोर इंटू वन अपॉन फैक्टोरियल टू, आगे जाना ही नहीं है हायर ऑर्डर टर्म्स पे, वो तो इन्फिनिटी तक जा ही रहा है, और पीछे देखो ये प्लस वन लिखा हुआ है क्वेश्चन का, तो पीछे ही पीछे लिख दिया प्लस वन। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा ये एक्सपेंशन। एक्सपेंशन समझना बहुत ज़रूरी है, और ये पहले पार्ट में ज़रूर थोड़ा सा लेंदी लगेगा, दूसरे पार्ट को हम सिमिलर मैनर में आगे बढ़ा देंगे। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ मैंने अभी तक क्या क्या किया। मेरे पास जो फंक्शन दे रखा था उसमें LHT का फॉर्मूला लगाया, LHT का फॉर्मूला लगा के मैंने उसको रीअरेंज किया, e की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर को कॉमन लिया, न्यूमरेटर में माइनस बना दिया, और डिनोमिनेटर में जो e की पावर माइनस एक्स था उसको एक्सपेंड कर दिया। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। चलिए अब आगे के स्टेप देखते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो e रेज़ टू द पावर माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर एज इट इज लिखा रहने दिया, इस माइनस h को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और देखो ये वन प्लस वन में टू लिख रहा हूँ, तो जब टू से ये माइनस h होएगा तो ये हो जाएगा माइनस टू एच, ठीक है, फिर ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस, अगली टर्म प्लस में हो जाएगी, देखो ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और ये h अंदर जाएगा वन अपॉन एच स्क्वायर के पास तो बचेगा वन अपॉन h, ठीक है, और आगे अगर मैं देखूं तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, और ये एच जब अंदर जाएगा तो एच की पावर फोर नीचे तो वन अपॉन एच क्यूब रह जाएगा, फाइन, और ये वन अपॉन फैक्टोरियल टू जो है वो एज इट इज लिखा हुआ है। अब उसके बाद हायर ऑर्डर टर्म्स आ जाएंगी एच की, ये एक्सपेंशन हो गया नीचे का, देखो स्टेप बाय स्टेप, वन प्लस वन हुआ टू, टू को सबसे आगे लिख दिया, फिर टू के साथ माइनस एच प्रोडक्ट हुआ तो माइनस टू एच, फिर जो सेकंड टर्म थी वन अपॉन एच स्क्वायर उसको माइनस एच के साथ प्रोडक्ट किया तो माइनस माइनस पहले से प्लस हो गया और वो गया वन अपॉन एच। आगे की टर्म्स देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्यों, क्योंकि अब आप इसमें लिमिट करो, पुट, आफ्टर पुटिंग लिमिट, लिमिट पुट करो क्या बनेगा, देखो e रेज़ टू द पावर माइनस वन अपॉन जीरो हो जाएगा ये तो, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय माइनस टू इंटू जीरो हो गया, और फिर ये हो गया वन अपॉन जीरो, फिर ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन जीरो का क्यूब एंड सो ऑन, ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब वन अपॉन जीरो जितने भी होंगे वो सारे के सारे इन्फिनिटिव होते हैं, अगर वो इन्फिनिटिव होते तो ऊपर आ गया देखो e की पावर माइनस इन्फिनिटिव डिवाइडेड बाय, नीचे देखो तुम्हारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है जीरो, माइनस टू इंटू जीरो तो जीरो होता है, और आगे की सारी टर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी, इन्फिनिटिव होगी, क्योंकि 1 अपॉन 0 इन्फिनिटिव, उसके आगे भी इन्फिनिटिव, उसके आगे भी इन्फिनिटिव, तो वो तो इन्फिनिटिव बढ़ता ही जा रहा है तो इन्फिनिटिव भी देगा। अब ये जो पूरा का पूरा LHT है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि e की वैल्यू क्या होती है 2.71, तो जब भी नंबर 1 से बड़ा होता है देखो e जो है वो कितना होता है 2.7, तो वेन एवर नंबर इज ग्रेटर देन 1 उसकी पावर अगर इन्फिनिटिव होती है तो वो इन्फिनिटिव पे जाती है, और अगर उसकी पावर माइनस इन्फिनिटिव हो गई तो वो जीरो पे जाएगा, ये बेसिक रूल होता है हमारा, साइड में लिखा, तो e रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव कितना हो गया जीरो, न्यूमरेटर बन गया जीरो, डिनोमिनेटर देखो क्या बना इन्फिनिटिव। अब अगर जीरो अपॉन इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव को अगली स्टेप में क्या लिख देंगे जीरो, और ये वन अपॉन जीरो, अब ये जीरो ऊपर चला जाएगा तो जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो अपॉन वन, सो फाइनली LHT वुड बी जीरो। ये आई हमारे पास LHT की वैल्यू, तुम उसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि जीरो अपॉन इन्फिनिटिव जीरो ही होता है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। आपने इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए दो चीजें देखी, सबसे पहली तो क्या करा, जो एक्सपेंशन है e की पावर माइनस एक्स का उसका फॉर्मूला लगाया, और फिर उसके बाद हमने क्या करा e की पावर इन्फिनिटिव और e की पावर माइनस इन्फिनिटिव बनाया, दिस इज LHT। अब अगर LHT समझ में आया तो RHT में कहीं कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहेगा क्योंकि वो LHT से मिलता जुलता ही फंक्शन है, तो चलो फटाफट से RHT कर देते हैं। अब तो h टेंस टू जीरो वन अपॉन वन प्लस e रेज़ टू द पावर वन अपॉन एच स्क्वायर एज इट इज आएगा, माइनस जीरो एज इट इज आएगा, सिर्फ बदलेगा जो डिवाइडेड बाय h बदल जाएगा।
मतलब वो नीचे प्लस का डिवीजन होगा। अब इसकी एक दो स्टेप खा के मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि तो एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, ये वन अपॉन ये हो जाएगा एच, ठीक है, और ये हो जाएगा वन प्लस ई रेस टू द पावर वन अपॉन एच स्क्वायर, स्टेप नहीं खाई मैंने, ठीक है। और आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा वन अपॉन एच, अब की बार ई की पावर वन अपॉन एच को कॉमन ले रहा हूँ मैं बाहर, ठीक है, एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर को बाहर लेंगे, क्या बचेगा e की पावर माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर यहाँ बचेगा और पीछे बचेगा प्लस वन, ये मैं पहले ही कॉमन लेके बता चुका हूँ आपको कैसे आता है, ठीक है। अब जैसे ही ये बचा अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो इसमें भी ये ऊपर गया था, लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते जाओ अपने आप तुमको दिखता जाएगा। लेट मी इंक्रीज द स्पेस वेट, सॉरी चलिए स्पेस देखते हैं एक बार, वापस बढ़ा लिया अपन लोगों ने। अब ऊपर वाला फंक्शन देखते जाओ, ऊपर वाले फंक्शन को देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा, जैसे ऊपर वाले फंक्शन से कंपेयर करो तो आप लोग कहां तक पहुंच गए, आप लोग यहां तक कॉमन लेने वाले पोर्शन तक पहुंच चुके हो, ठीक है। अब इस e की पावर वन अपॉन एच स्क्वायर को कहां लेके जाते हैं, न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, देखो सबसे ऊपर वाली स्टेप लिखी हुई है, तो ये क्या बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये ई रेस टू द पावर वन अपॉन एच स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर बनाएगा, जैसे एलएचडी में बनाया था बिल्कुल वैसा का वैसे, ये एच बाहर ऐसा कैसे रहेगा, और अंदर से हम लोग क्या कर देंगे एक्सपेंशन लगा देंगे। एक्सपेंशन कैसे घुलेगा, ऊपर वाली स्टेप दिखा रखी है मैंने, बिल्कुल एज इट इज चिपका देना है, तो ये बन जाएगा वन, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर प्लस वन अपॉन एच फोर इंटू वन अपॉन फैक्टोरियल टू, बिल्कुल ऊपर का कॉपी करना है एज इट इज, और पीछे क्या लिखा हुआ है प्लस वन, ऊपर वाला कहीं कुछ चेंज नहीं होगा, सेम चलता रहेगा। अब क्या बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये ई रेस टू दी पावर माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर को ऊपर एज इट इज लिखा रहने दिया, अब वन प्लस वन हो गया टू और ये एच गया अंदर, जब ये एच अंदर गया तो ये हो जाएगा टू एच, ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस, अब देखो ये एच और ये बन जाएगा वन अपॉन एच, फिर आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा वन अपॉन एच क्यूब इंटू वन अपॉन फैक्टोरियल टू, और इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा हायर ऑर्डर पावर्स ऑफ एच। अब तुम इसमें लिमिट पुट कर दो, ऊपर भी हमने ऐसे ही करा, देखो पुटिंग लिमिट एच टेंस टू जीरो व्हाट वी गेट, देखो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा ए की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन देख लेना, नीचे क्या बन जाएगा ये बनेगा जीरो और ये बनेंगे पीछे की टर्म्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो सब इन्फिनिटी भी हो जाएगा वो, तो ओवरऑल जाके ए की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होती है जीरो, नीचे क्या बना है इन्फिनिटी, तो ये जब सॉल्व होता है तब क्या होता है जीरो बनता है, ऊपर समझाया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन वन देखोगे तो एल एच डी इज जीरो, इक्वेशन टू देखोगे तो आर एच डी इज ऑल्सो जीरो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू वॉट वी गेट एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, और अगर एल एच डी और आर एच डी इक्वल है इसका मतलब क्या बोलेंगे कि एफ एक्स विल बी डिफरेंशिएबल एट x is equals to zero. I know it is lengthy, लेकिन lengthy portion भी आया तो क्या हुआ, question 4-5 number का आया अगर board में तो करना पड़ेगा। Explanation आपके सामने है, सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख के बताया है, video को वापस rewind कर लेना, अगर नहीं समझ में आया तो step by step pen और paper पे लिख के देखना, clear हो जाएगा। चलिए आगे का next lecture में देखते हैं, thank you।